रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स <coughs> कैसे हैं आप ठीक हैं मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है भाई सबको ऑल द काका जीज एंड द काकी जीज मुझे लगता है आप सबको आवाज आ रही है है ना चलो आपको पता है आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है जी हम लोग ना सबसे पहले डिस्कस करने के लिए जाएंगे दैट इज यूनिट नंबर वन और uh, <coughs> हमारी एसओएस एस के अकॉर्डिंग हम जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ठीक है सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को हम लोग स्टूडेंट्स डील करेंगे ठीक है और अकॉर्डिंग टू पीएमसी अकॉर्डिंग टू पीएमसी इसके अंदर जो जो चीजें शामिल हैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेल है ठीक है हमारे पास कंपैरिजन है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंड एनिमल सेल फिर इसमें सेल वॉल आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है फिर सेल के कुछ ऑर्गेलीज हैं जिनके अंदर राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ठीक है मेनली लाइसोसोम इसके अंदर शामिल होता है जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं तो ये चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप लोगों ने साथ रहना आपका और हमारा साथ आपकी मुश्किल इंशाल्लाह कम होंगी और चीजें बेहतर होंगी अगर कहीं पर आपको लगे कि प्रॉब्लम है तो बेटे आपने वहीं पर क्वेश्चन पूछना है ठीक है ओके चलें जी ओके जी राना अब्दुल कलाम थैंक यू थैंक यू ओके स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहीम जी सबसे पहले तो हम जरा एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है हमारे पास उसमें ऑप्शन लिखते हैं ठीक है ऑप्शन ए है स्टूडेंट दैट इज नॉन एज रॉबर्ट हुक ठीक है ऑप्शन बी में हम लोग ऐड कर लेते हैं दैट इज लॉरेंस ओकन ऑप्शन सी के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन को और ऑप्शन डी के अंदर ऐड कर लेते हैं हम लोग रोडोल्फ वर्चो को चलो क्योंकि ये ज्यादातर आपके पास पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग इस वजह से डील करते हैं क्योंकि ना ये लास्ट टाइम आप लोगों को अगर आइडिया हो अगर आप में कुछ रिपीटर्स बैठे हुए मैं तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं ठीक है जी चलो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने ये कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला जल्दी से बताओ किसने कहा था ओमिनस सेलुला ई सेलुला बिल्कुल बेटे हमारे पास ये जो रडोल्फ विश है इसने कहा था ओमिनस सेल्यूला ठीक है ई e सेल्यूला ठीक है जी यानी आपके पास कोई भी सेल जो होता है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहा होता है फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया था तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक इसने डिस्कवर किया था सेल को फिर आपके पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया तो बताओ न्यूक्लियस की डिस्कवरी बेटे हमारे पास एसोसिएटेड है रॉबर्ट ब्राउन के साथ फिर लास्ट में आपके पास ये पूछा जाता है कि कौन इनमें से साइंटिस्ट है जो बिलीव करता था दैट ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेजिकल्स और सेल्स ठीक है तो वेजिकल्स और सेल्स की जो कॉन्सेप्ट है यह हमारे पास लॉरेंस ऑकन ने बेटे दी थी ठीक है एक आसान सा सवाल जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड आई होप इससे कुछ चीजें आपकी क्लियर भी होंगी बाकी मजीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक आपको बस ये क्वेश्चन uh, से ये है कि एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन हमारे पास किस किस तरह की वेराइटी आ सकती है तो सबसे पहले तो एक आसान सा हम लोगों ने सवाल किया चलो एक थोड़ा सा सवाल पर लेकर जाते हैं ठीक है And the statement is unicellular organisms are not capable of. Unicellular organisms are not capable of. Okay. okay. Option A is, student, we have independent existence. Independent एग्जिस्टेंस ठीक है जी ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स दैट इज नॉन एज परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ठीक हो गया एक ऑप्शन हम लोगों ने ये ऐड कर दी आ, और ऐड कर दो इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ ठीक है ऑप्शन सी हम लोग यहां पर ऐड करते हैं बोथ क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल बोथ और नन ऑफ दीज की ऑप्शन जो हैं वो भी पूछी गई हैं तो ये लो मैंने दोनों को ऐड कर दिया सवाल आपके पास है सामने यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मुझे इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए अच्छा जी विशाल कह रही हैं बोथ ठीक है जी अच्छा बहुत सारे बच्चे बोथ कह रहे हैं कुछ बच्चे नन ऑफ दीज कह रहे हैं बेटे ये तो लाइफ के लिए बहुत सिंपल सी चीज है हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहां पर देखो लिखा हुआ है नॉट कैपेबल ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं बार बार करता हूं और हर दफा करूंगा कि बायोलॉजी के अंदर बेटे स्टेटमेंट रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बायोलॉजी आती है लेकिन स्टेटमेंट रीडिंग की वजह से आप थोड़ा सा मार्क आ जाते हैं इसने पूछा है आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होते हैं बहुत सारे यूनिसेल और ऑर्गेनिजम्स हैं फिर ये इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ भी परफॉर्म करते हैं ठीक है तो अगर तो नॉट ना होता तो फिर आंसर आना था बोथ लेकिन नॉट लिखा हुआ है तो हमारे पास आंसर आएगा नन ऑफ दीज ठीक है तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि इसके साथ एड की जाती हैं ओके बात समझ में आई चलो एक और सवाल पूछते हैं कि हमारे पास टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स कितने होते हैं मैं आपके पास सवाल ये पूछ रहा हूं टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स कितनी होती हैं? टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स ठीक है अच्छा पहले ऑप्शन कर देते हैं हम लोग वन फिर ऑप्शन कर देते हैं टू फिर ऑप्शन कर देते हैं थ्री फिर ऑप्शन कर देते हैं फोर चलो टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल पूछ रहा है तो बिल्कुल बेटे आप सब लोग सही कह रहे हैं टिपिकल टाइप्स होती हैं हमारे पास टू जिसमें से हम लोग एक तो बैक्टेरियल सेल या इसी बैक्टेरियल को हम लोग प्रो सेल भी बोलते हैं और दूसरा आपके पास यू सेल आ जाते हैं ये टिपिकल टाइप्स हैं इनकी ठीक है अच्छा चलो हम सवाल को चेंज करते हैं वो इसी सवाल के अंदर ऐड कर देता टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स एन मेल ह्यूमन मेल के अंदर टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स ये देखो यही टर्म मैंने ऐड कर दी है अब मुझे इस सवाल का जवाब बताओ क्या होना चाहिए बताओ ह्यूमन मेल के अंदर टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं अच्छा अभी भी आप लोग सारे टू ही बता रहे हैं अच्छा कौन कौन कह रहे है कि हमारे पास ये वन भी हो सकती है बेटे याद रखना टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल्स मेल के अंदर ना दो होते हैं कौन कौन से एक हमारे पास आ जाते हैं सोमेटिक सेल्स ठीक है सोमेटिक सेल्स या हम लोग इनको डिप्लॉयड सेल भी रेफर कर रहे होते हैं और दूसरा हमारे पास सेक्स सेल्स आ जाते हैं इनको हम लोग हेप्लॉयड सेल भी लेबल करते हैं ठीक है जी तो बेटे ये आपके पास ना दो कैटेगरीज होती हैं चाहे वो सिंपल ये पूछे टिपिकल टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं और अगर वो पूछे कि आपके पास भाई मेल के अंदर कितने होते हैं अगर फीमेल भी पूछता तो तभी भी आपके पास आंसर यही आना था ओके चलो बेटे चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा ऑर्गेलिज की तरफ भी चलते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है ओके okay. तो टॉपिक स्टूडेंट्स टॉपिक का नाम है हमारे पास जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है जी यह हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग पास में देखो तो इस पास पेपर्स के अंदर इसमें से ना अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास ठीक है जी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं मुझे ये बताओ कि प्लाज्मा में ब्रेन स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनैली है लिख के बताना है मुझे जल्दी से क्या प्लाज्मा में ब्रेन स्ट्रक्चर है या ये ऑर्गेनेली है बताओ क्या ये स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गेनैली होता है अच्छा जी चलो ज्यादातर मेरे बच्चे यही कह रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर होता है और मेजोरिटीज अथॉरिटी हम इसी बात को सही मान लेते हैं कि प्लाज्मा हमारे पास स्ट्रक्चर होता है बेटे याद रखना इसी प्लाज्मा के लिए ना कुछ और टर्म्स भी यूज होती हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं सेमी परमीएबल में ठीक है देयर ए सेमी परमीएबल मेंब्रेन बिल्कुल ठीक है हम यूज करते हैं इसके लिए इसमें कोई मोजाइका ही नहीं है ठीक है फिर समाइम परमिएबल मेंब्रेन या इन परमिएबल मेंब्रेन की टर्म भी यूज करते हैं या आप यहां पर यह भी यूज करते हो सेल मेंब्रेन अच्छा प्लाज्मा मेंब्रेन और सेल मेंब्रेन के अंदर ना थोड़ा सा डिफरेंस है सेल मेंब्रेन हम बोलते हैं ऑल मेंब्रेन ऑफ अ सेल ठीक है ऑल मेंब्रेन ऑफ अ सेल ये बात याद रखिएगा ऑल मेंब्रेन ऑफ अ सेल ये स्टूडेंट हमारे पास टर्म लेबल की जाती है एज सेल मेम्ब्रेन लेकिन स्पेसिफिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है दैट इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म के, के बाहर मौजूद होती है इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बेटे हम लोग कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नॉन एज प्लाज्मा लीमा ठीक है फिर डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है आपके पास पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन है वो इसके फंक्शन की बेस के ऊपर मैंशन करते हैं बेटे इसमें जो लीमा की टर्म है ना दैट मीन्स मेम्ब्रेन ठीक है और आपके ये सिलेबस के अंदर ये लीमा दो जगह पे मेंशन करता है एक वो मेंशन करता है न्यूरॉन के साथ दैट इज न्यूरो लीमा यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दूसरा वो मेंशन करता है हमारे पास मसल के लिए दैट विल बी रेफर टू एज सार्कोलीमा तो न्यूरोलीमा है और सार्कोलीमा यहाँ पे जरा ऐड कर देते हैं न्यूरोलीमा किसकी मेम्ब्रेन होती है दैट इज देंब्रेन ऑफ न्यूरॉन सार्कोलीमा किसकी मेम्ब्रेन होती है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल ठीक है तो ये इस वजह से लिखें ताकि आपको आइडिया रहे कि इसमें ये मेम्ब्रेन की टर्म जो है लीमा की स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज कर रहे होते हैं ठीक है जी अच्छा चाहे प्रो कैरियोटिक सेल हो या यू कैरियोटिक सेल हो बेटे उन तमाम सेल्स के अंदर आपको जो है ना ये मेम्ब्रेन नजर आती हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा uh, मेम्ब्रेन का नाम दे रहे होते हैं अच्छा इससे पहले कि हम इसके फंक्शन को डिस्कस करें हम इसकी ना कॉम्पोजिशन को ले लेते हैं और कॉम्पोजिशन में से बेटे क्वेश्चन आता है तो उसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे तो सपोज हम लोग कॉम्पोजिशन को डील कर रहे हैं आपके पास ऑप्शन ए आ जाती है बेटे दैट इज रेफर टू एज प्रोटीनस ठीक है ऑप्शन बी आ जाती है हमारे पास दैट इज रिफर टू एज कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन सी आ जाती है बेटे दैट इज लिपिड्स और ऑप्शन डी आ जाती है दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स ठीक है जी तो ये हमारे पास कुछ चार ऑप्शन हम लोगों ने बना ली अब बेटे ये बताओ सवाल अब सुनो ना इससे कि सवाल क्या क्या बन सकता है तो पहला सवाल हमारे पास ये बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन बताओ सवाल यह है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन बिल्कुल बेटे हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना दे कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन कैन नेवर be the part of plasma membrane ये plasma membrane का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकते ठीक है अच्छा चलो अगर आपसे ये पूछा जाए which one of the following is most abundant biological molecule in membrane regarding molecular weight चलो molecular weight मैंने ऐड कर दिया molecular weight के लिहाज से इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा होगा हाँ जी बिल्कुल बेटे अगर प्रोटीन्स की बात करें ना तो मॉलिकुलर वेट के लिहाज से सबसे ज्यादा होते हैं मोलिकुलर वेट के लिहाज से ये सबसे ज्यादा होते हैं और इनकी परसेंटेज तकरीबन 60 से लेकर 80 परसेंट तक होती है डन अच्छा अगर वो ये पूछे कि एरिया के, के लिहाज से सबसे ज्यादा कौन से होते हैं तो फिर लिपेड जाएंगे ठीक है ये एरिया के लिहाज से सबसे ज्यादा होते हैं लेकिन मॉलिकुलर वेट के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो मॉलिकुलर वेट के लिहाज से इनकी परसेंटेज होती है बेटे दैट इज अबाउट ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट डन अच्छा चलो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं हो सकता तो कार्बोहाइड्रेट्स एक तो बेटे ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं ठीक है दूसरा दे कैन नेवर बी इन प्योर फॉर्म मतलब आपके पास प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाएगा ये हमेशा किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच ही रहेगा यानी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हमें नजर आएगा ठीक है जी क्लियर देखो जरा ओके जी प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये हम लोग डील करते हैं हमारे पास एक और सवाल आता है और उसको हम लोग ना प्रोटीन्स के साथ डिस्कस करेंगे चलो पहले हम लोग यहाँ पे ना प्रोटीन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन्स कैसे कैसे मौजूद हो सकती हैं। प्रोटीन्स बेटे हमारे पास हमने पढ़ा के 60 से 80 परसेंट तक होती हैं दैट इज द मोस्ट अबंडेंट ठीक है रिगार्डिंग मॉलिकुलर वेट और ये प्रोटीन जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर नजर पास कुछ प्रोटीन ऐसी प्रोटीन कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम लोग एक्सट्रेंजिक प्रोटीन लेबल करते हैं तो इंट्रेंजिक और एक्सट्रेंजिक दो आ गई ठीक है हमारे पास बेटे ये जो इंट्रेंजिक प्रोटीन्स होती हैं इन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स भी लेबल करते हैं दे आर आल्सो लेबल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स ये जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स होती हैं इनको हम लोग पेरीफ्रल प्रोटीन्स भी लेबल कर रहे होते हैं ओके okay? अच्छा पहले तो हम जरा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये प्रोटीन्स किस किस तरह से आपको यहाँ पर नजर आएंगे चलो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं साइड पे सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स गए फॉस्फो लिपिड्स ठीक है दीज आर फॉस्फो लिपिड्स अब फॉस्फोलिपिड्स के साथ यहां पर हमारे पास मेम्ब्रेन आ जाती हैं और सॉरी प्रोटीन्स आ जाती हैं एक ये प्रोटीन है फिर हम लोग और फॉस्फोलिपिडस बना लेते हैं ठीक है ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है सुना होगा आपने आजकल वैसे कराची में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है आप में से कराची में से कौन कौन है बताएं जरा जब तक हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं यही बता दो कि कराची में से कौन कौन है ओके चले एक और बस बना लेते हैं हम यहां पर प्रोटीन और इसको वाइंड अप करते ठीक है चलो ये हमारे पास प्रोटीन्स आ गई एंड सपोज दिस इज अ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर सॉरी मोजेक मॉडल अब देखो बेटे हमारे पास ना यहां पर आपको मेमब्रेन में आ, डिफरेंट जगह पर ये प्रोटीन्स जो है वो नजर आ सकती हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन्स उनको बोलेंगे किनको बोलेंगे जो कि कंप्लीटली पार्शली एम्बेडेड होती हैं, कंप्लीटली और पार्शली एम्बेडेड होती हैं, ठीक है पार्शली एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बायलेयर जैसे देखो हमारे पास लेबल करते हैं ये जो ए है क्या ये इंट्रेंसिक प्रोटीन होगा हाँ या ना मैं बताते जाओ क्या ये इंट्रेंसिक प्रोटीन होगा बिल्कुल बेटे यह हमारे पास इंटरेंजिक होगा यही अगर हम लोग इस बी की बात करें तो ये भी इंटरसिक होगा ठीक है ये सी की बात करें ये भी इंटरेंसिक होगा डी की बात करते हैं ये भी इंटरेंसिक होगा तो इसमें से सी और डी जो है ये पार्सली इंबेडेड है ए और बी कंप्लीटली इंबेडेड है लेकिन अगर हम लोग बात करें ये इस ई और एफ की दे आर नॉट इम्बेडेड अगर बेटे ये इम्बैडेड नहीं है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स तो ऐसी प्रोटीन्स जो कि आपके पास एम्बेडेड नहीं होती फॉस्फोलिपिड की सरफेस पे अटैच होती हैं उनको हम लोग लेबल कर रहे होते हैं एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स ओके चलो अब यही प्रोटीन्स जो हैं एक और सवाल भी यहां पर आता है कि हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन हैं उनके अंदर ये जो प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप लोग डिस्कस करते हो ये कौन सी प्रोटीन्स होती हैं आइदर दे आर फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स बताओ बेटे क्या आंसर होना चाहिए इसका ये जितनी भी प्रोटीन्स हम यहां पर डिस्कस करते हैं ना ये सारी की सारी ग्लोब्युलर प्रोटीन्स होती हैं दे आर ग्लोब्युलर प्रोटीन्स और अगर ग्लोबुलर प्रोटीन्स है तो इनमें स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटे दे मस्ट तो ये बात याद रखिएगा हमारे पास प्लाज्मा में ब्रेन में ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स और इनमें जो स्ट्रक्चर होता है दैट विल बी रेफर टू ए स्टर्शरी स्ट्रक्चर ओके तो ये हम लोग प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं इसमें इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स है या पार्शली एम्बेडेड होता है ये प्रोटीन्स हमारे पास डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। जैसे आप देखो ये बेटे, दे कैन एक्ट अ चैनल हम यहां पर इनको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास एज अ चैनल एक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है फिर ये हमारे पास एज अ गेट्स भी एक्ट कर रही होती हैं बिल्कुल ठीक है फिर ये हमारे पास एज आ पंप भी एक्ट कर रही होती हैं बिल्कुल ठीक है फिर ये हमारे पास एज आ इंजाइम भी एक्ट कर रही होती हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा फिर हम यहां पर पोर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन जो हैं वो पोर्स बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ओके चलो मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी एग्जाम्पल जो कि आपने पढ़ी हो एज अ इंजाइम एक्ट करते हैं मेम्ब्रेन के अंदर कोई ऐसी मेम्ब्रेन बताओ जिसमें आपने कोई इंजाइम हो बताओ बेटे फाइब्रस रवीना बेटे आपको फाइब्रस जो है यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है दे आर क्वाइट रेयर और आपके पीएमसी सिलेबस के अंदर वो शामिल नहीं है ठीक है ओके तो हम लोग बेटे यहां पर डिस्कस करते हैं कि एंजाइम के तौर पर कौन एक्ट करता है तो आपने दो चीजें यहां पर याद रखनी है एक तो आपकी बुक से ही एसोसिएटेड है दैट इज एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेटेस बोलते हैं दूसरा एडिनाइल साइक्लेज बोला जाता है ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है यह आपके पास साइक्लिक एएमपी बनाता है जो के एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता है ए सिंथेस क्या बनाता है ये ए बना रहा होता है जिसको आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिस्कस करते हो या आप प्लास्टिड्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते अच्छा चैनल जो होंगी ये बेटे इंट्रेंसिक प्रोटीन के तौर पर गेट्स भी पंप्स भी ठीक है फिर पोर्स भी अगर पंप की बात करें तो पंप हमारे पास ना कुछ स्पेसिफिक है जैसे आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करो तो आपने सोडियम पोटासियम एटीपी एज पंप पढ़ा था ठीक है और ये सोडियम पोटासियम ए टीपीएज पंप कौन से सेल के अंदर पड़ा था दैट वॉज डिस्कस इन न्यूरॉन सेल ठीक है ये न्यूरॉन सेल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था ओके okay हो गया सो दैट इज समथिंग जो के आपने यहां पर ऐड करना है अब बेटे पोर्स की बात करें तो पोर्स कहाँ पर होते हैं पोर्स में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी जैसे एक तो हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स आ जाते हैं याद करो न्यूक्लियर पोर्स वो भी बेटे मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं ठीक है प्रोटीन्स आर परफॉर्मिंग फंक्शन लाइक दिस ये इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करती हैं अच्छा एक और वापस चलो जरा ये मेम्ब्रेन के ऊपर मुझे ये बताओ कि ये मेम्ब्रेन हमारे पास सेमेट्रिकल है कि एसेमेट्रिकल है बताओ क्या ये सेमेट्रिकल है या एसेमेट्रिकल है बताओ भाई क्या ये सेमेट्रिकल होता है या एसेमेट्रिकल होता है अच्छा बिल्कुल आप सब लोगों को ये तो पता है कि ये ए सेमेट्रिकल होता है लेकिन बेटे इसके एसेमेट्रिकल होने की वजह क्या है ये देखो आपको अगर यहां पर ई प्रोटीन नजर आ रही है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर कोई प्रोटीन नजर नहीं आती दैट इज वाई दे आर रेफर टू एज ए सेमेट्रिकल ठीक है अच्छा इसी के साथ साथ आपको बेटे एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोटीन्स हैं सपोज ये प्रोटीन की बात करता हूं ये प्रोटीन इसके अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट शो करती है या ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है बताओ ये लॉन्गिट्यूडल मूव करती है या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है बेटे बताओ भाई बिल्कुल बेटे ये याद रखना कि ये प्रोटीन जो है ये हमेशा इस साइड पे मूव करती है तो इस वजह से हम इसको हॉरीजोंटल मूवमेंट भी बोलते हैं कि के, के अंदर ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट शो करते हैं परपेंडिकुलर मूव नहीं कर रहे होते बेटा ठीक है तो ये आप लोगों ने यही यही वजह है कि आपने सम टाइम ये डिस्कस किया होगा कि दे आर जस्ट लाइक आइसबर्ग्स जो कि सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो है वो फैले हुए हो होते हैं ठीक है जी चलो पहला हम लोगों ने इसका कॉम्पोनेंट डिस्कस किया दूसरा कॉम्पोनेंट देखते हैं दूसरा हमारे पास जो कॉम्पोनेंट है बेटे दैट इज लिपिड्स और ये जो लिपिड्स होते हैं इनकी परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा ट्वेंटी से फोर्टी परसेंट तक होते हैं ठीक है दैट इज रिगार्डिंग मॉलिकुलर वेट लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा लिपिड्स ही होते हैं इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सी ऑफ लिपिड्स मौजूद होता है बेटे ये जो हमारे पास लिपिड हैं ये जितने भी लिपिड हैं ये सारे के सारे एम्फी हमें नजर आते हैं दे आर एम्फी एमफी एम्फी का मतलब क्या होता है हाफ ठीक है और पैथिक ये आपके पास पोलैरिटी के साथ एसोसिएट करता है यानी ये सारे के सारे लिपिड जो आप यहां पर डिस्कस करोगे वो हमारे पास दो तरह की नेचर शो करते हैं यानी उनमें कुछ हिस्सा यानी हाफ हिस्सा जो है वो पोलर होगा और हाफ हिस्सा इनमें क्या होगा नॉन पोलर होगा ये सारे लिपिड्स की यहां पर करेक्टरिस्टिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट विल बी एम्फीपैथिक ठीक है अच्छा चलो ऑप्शंस बनाते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए है हमारे पास बेटे फॉसफो ठीक है एक है जी फॉसफो ऑप्शन बी है बेटे हमारे पास दैट इज चलो इसको कर लेते हैं स्टीरोल ऑप्शन सी है इसको हम लोग कर लेते हैं बेटे स्टीरोल्स के साथ स्टीरोल के साथ चलो सफिंगो लिपिड्स ऐड कर लेते हैं दैट विल बी सफिंगो लिपिड्स और ऑप्शन डी में हम लोग ऐड कर देते हैं ग्लाइको लिपिड्स, ठीक है चलो ये चार ऑप्शन हम लोगों ने बना लिए हैं तो आपके पास एक सवाल आता है कि जी कौन सी ऐसी लिपिड्स हैं इनमें जो कि तमाम की तमाम मेम्ब्रेन में नजर आती हैं बेटे चैनल और कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं ये इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होती हैं दे आर एम्बेडेड सवाल मेरा ये है कि इनमें से मोस्ट अबंडेंट लिपिड कौन सा होता है या सारी की सारी में हमें नजर आता है तो आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स ठीक है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑलमोस्ट सारी की सारी जो मेम्ब्रेन्स हमें नजर आती है ना बेटे उन तमाम मेम्ब्रेन्स के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड्स नजर आते हैं फिर अगर स्फिंगो लिपिड्स की बात करें तो स्फिंगो लिपिड्स के साथ क्वेश्चन आता है कि ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। यानी दे आर प्रेजेंट लेकिन ये किस में प्रेजेंट होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन न्यूरोमा न्यूरॉन की मेमब्रेन जो होती है उसके अंदर पाई जाती हैं। फिर हमारे पास ये सवाल आता है कि कौन सी ऐसी आपको लिपिड यहां पर नजर आती है जो कि बेटे जस्ट आउटसाइड नजर आती है सो so, ये आउटर फेस ऑफ मेम्ब्रेन पे नजर आएगी आउटर फेस ऑफ मेम्ब्रेन पे बेटे ये मौजूद होती है ठीक है स्टीरोल के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि स्टीरोल जो होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स ये फॉस्फो लिपिड्स के दरमियान में नजर आता है चलो जरा ऊपर चलते हैं वापस इस मेम्ब्रेन की तरफ अगर हम यहां पे फॉस्फोलिपिड को बनाना चाहते हैं तो फॉस्फोलिपिड जो है ना दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस ठीक है ये देखो ये आपके पास बेटे इस मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में आपको नजर आएगा ठीक है इन बिटवीन दैट इज क्वाइट क्लियर के ये जो कोलेस्टिरोल या स्टीरोल होता है यह हमारे पास मौजूद होगा किसमें बेटे दैट इन बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स क्लियर एम आई क्लियर चलो एक सवाल पूछते हैं जो कि अक्सर हमारे पास पूछा जाता है वापस इसकी तरफ आते हैं फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट अपॉन किसके ऊपर बेटे डिपेंड कर रही होती है इन चारों में से फ्लुइडिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है और अगर मैं यहां पर एक ई e ऑप्शन भी दे देता हूं ऑल ऑफ दीज ठीक है तो मुझे ये बताओ फ्लूडिटी इनमें से किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है अच्छा चलो सवाल मेरा ये था कि फ्लूडिटी डिपेंड किस पे करती है तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज ठीक है फ्लुइडिटी की जो डिपेंडेंस होती है ना बेटे वो इन तमाम पे होती है डिपेंडेंस ठीक है लेकिन अगर हम सवाल चेंज कर दें स्टेटमेंट सुनो जरा अगर हम सवाल चेंज करें और आपके पास ये पूछा जाए और के कौन सा ऐसा लिपिड है जो फ्लूडिटी कॉज करता है ठीक है मेनली कॉज फ्लूडिटी तो अगर ये सवाल आए कि मेनली कौन जो है वो फ्लूडिटी कॉज करता है तो आंसर क्या होना चाहिए आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स मेनली बेटे हमारे पास फॉसफोलिपिड इस फ्लूडिटी को क्या कर रहे होते हैं कॉज कर रहे होते हैं अब उसकी वजह क्या होती है उसकी वजह ये होती है कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा ये फॉस्फोलिपिड ये फॉस्फोलिपिड ठीक है ये मैम के अंदर हम लोगों ने बनाए ये फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ना ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं यानी ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड नीचे आ सकता है नीचे वाला जो है ये ऊपर जा सकता है ठीक है इसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से मेनली स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है फ्लुइडिटी ठीक है अगर वो कहे के सवाल आए कौन ऐसा है जो मेंटेन करता है फ्लुइडिटी मेंटेन्स फ्लूडिटी तो बेटे अक्सर बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं इस वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं फ्लुइडिटी डिपेंडेंस आए तो सारे के सारे लिपिड्स मेनली फ्लुइडिटी की कॉज आए तो फॉस्फोलिपिड्स अगर मेंटेनेंस ऑफ फ्लुइडिटी आए तो आपने आंसर लगाना है बेटे इसमें स्टीरोल स्टीरोल या इसको कोलेस्टीरोल बोलते हैं ये हमारे पास मेनली क्या करता है मेंटेन कर रहा होता है फ्लुइडिटी को अब ये बेटे कैसे मेंटेन करता है इसको देखो ये लॉक कर देता है लॉक कर देता अभी मैंने बताया ना आपको कि फ्लुइडिटी यानी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड करवाते हैं जहां पे ये कोलेस्टिरोल मौजूद होगा ना ये ऊपर वाले और नीचे वाले फॉस्फोलिपिड को लॉक कर देगा उसके लॉक होने की वजह से बेटे ये आपके पास फ्लुइडिटी मेंटेन कर रहा है ठीक है तो दैट इज समथिंग जो के इंपॉर्टेंट था और आपको पता होना चाहिए चलो आगे चलते हैं इसी फॉस्फोलिपिड में से ना सवाल आता है तो फॉस्फोलिपिड्स आपके पास क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। ये जो फॉस्फो लिपिड्स को हम लोग डील करते हैं तो स्टूडेंट्स ये फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल और इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं ठीक है दैट इज जस्ट लाइक दिस अच्छा इसमें बेटे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज पोलर और पोलर होने की वजह से हम इसको हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं दैट इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोफिलिक नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये हमारे पास कहलाता है नॉन पोलर और इस नॉन पोलर हिस्से को हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं ठीक है चलो सवाल ये आता है कि ये जो टेल है इसकी या नॉन पोलर एंड होता है ये हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक होने की मेन वजह क्या है तो स्टूडेंट यहां पर हम ये बताएंगे कि इसमें जो जो टेल होती है इसमें आपको फैटी एसिड नजर आते हैं ठीक है दैट इज कम्पोज ऑफ फैटी एसिड्स तो फैटी एसिड्स की वजह से आपके पास नॉन पोलर है जबकि रीजन पोलर है किस वजह से फॉस्फोरिक एसिड की वजह से फॉस्फोरिक एसिड जो है वो इसको पोलैरिटी कॉज कर रहा होता है फिर ये जो आपको यहां पर नजर आता है दैट इज रिफर टू ए स्किंक इसको बेटे हम लोग किंक बोलते हैं एंड किंक इज शोइंग डबल बॉन्ड यह हमारे पास शो किसको कर रहा होता है डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हमारे पास बताती है अनसेचुरेशन ठीक है जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा अनसेचुरेशन होगी और अनसेचुरेशन की वजह से फ्लुइडिटी ज्यादा होगी ठीक है चलो एक हम लोग क्वेश्चन बनाते है. ये यहीं से फॉस्फोलिपिड से एंड दैट इज ये एक ऑप्शन ए लिख ली हमने ये ऑप्शन बी ले बना ली और ये हमारे पास आ गई ऑप्शन सी ठीक है ए बी सी और डी भी हम लोग लिख देते हैं नन ऑफ दीज मुझे ये बताओ इन तीनों फॉस्फोलिपिड में से कौन सा ऐसा फॉस्फोलिपिड है जो के बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन रख रहा है बताओ बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन रख रहा है हम्म अच्छा जी बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई है ये बेटे सबसे ज्यादा अनसेचुरेशन रख रहा है इस वजह से हम इसको मोस्ट अनसेचुरेटेड भी बोलते हैं ये मोस्ट सेचुरेटेड है ठीक है मोस्ट सेचुरेटेड है और ये सेमी सेचूरेटेड या सेमी भी बोलते हैं मतलब हाफ हिस्सा इसका सेचुरेटेड है और हाफ हिस्सा इसका जो है वो अनसेचुरेटेड होता है ओके सो दैट इज क्वाइट सिंपल जो कि फॉस्फोलिपिड्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ओके okay, चलो अब हम लोग अपने लास्ट कॉम्पोजिशन वाले हिस्से की तरफ चलते हैं दैट इज बेटे कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होते है ना और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन ए में हम लिख देते हैं मोनोसेक्राइड्स ठीक है मोनो सेकेराइड्स ऑप्शन बी में लिखते हैं डायसेकेराइड्स, बल्कि ओलिगोसेकेराइड कर लो दैट इज ऑलिगो सेकेराइड ऑप्शन सी में लिख लो पॉलीसेकेराइड्स दैट विल बी पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन डी में लिख लो नन ऑफ दीज ठीक है जी चलो अब मुझे सवाल का जवाब बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें नजर आता है बिल्कुल बेटे आप लोग सही कह रहे हैं कि ये जो ऑलिगोसेकर होते हैं ना दैट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारे पास प्लाज्मा के अंदर नजर आता है लेकिन ये प्लाज्मा के अंदर कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होता इन फॉर्म ये बेटे हमारे पास कांजुगेटेड फॉर्म के अंदर नजर आता है ठीक है इसी कॉन्जुगेटेड फॉर्म की वजह से हम यहां पर स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं जिसमें एक हमारे पास आ जाता है ग्लाइको लिपिड और दूसरा बेटे हमारे पास आ जाता है ग्लाइको प्रोटीन्स ठीक है ये दोनों जो हैं ये मिलकर हमारे पास बनाते हैं ग्लाइको कैलेक्स इसको और इसको इन दोनों को कोलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं ग्लाइको कैलेक्स बेटे रेफर कर रहे होते हैं दैट इज रेफर टू एस ग्लाइको कैलेक्स ठीक है अच्छा एक चीज जरा यहां पर बनाते हैं दोबारा से इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल का आपको पता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड मोजेक मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नहीं है पता होना चाहिए आपको कि आपके सिलेबस के अंदर बेटे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मौजूद नहीं है हाँ उसको एज अ रेफरेंस हम जरूर याद कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए ठीक है चलो हम यहां पर बना रहे हैं बेटे ये इसका स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का ठीक है जी और यहां पर आगे फॉस्फोलिपिड्स, फिर फॉस्फोलिपिड्स फिर फॉस्फोलिपिड्स एंड ये आपके पास फॉस्फोलिपिड्स चल रहे हैं इसे आगे हम यहां पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं सपोज दैट इज अ पोर यह हमारे पास पोर बन गया अगेन यहां पर और फॉसफोलिपिड हम लोगों ने शो कर दिए अब वो ये पूछता है कि ये हमारे पास एक साइट है ए ये साइट है बी ठीक है मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा हिस्सा है इनमें से कौन सा हिस्सा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कांटेक्ट में बताओ इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ फेस कर रहा है ए के बी अच्छा सारे कह रहे हैं ए बेटे हम तो यहां पर बता ही नहीं सकते कि ये आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर है ठीक है तो ना ए आंसर होगा ना बी होगा हाँ अगर वो आपके पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे दैट इज रेफर टू एज साइटोस्केलेटन इसको हम लोग साइटो स्केलेटन रेफर करते हैं ठीक है तो फिर ये जो बी होगा दैट विल बी शो साइटो प्लाज्म ये हमारे पास साइटो प्लाज्म को शो करेगा और ये जो ए होगा ये एक्स्ट्रा सेलर अच्छा इसमें एक्स्ट्रा सेलर होने की एक और वजह भी हो सकती है सपोज ये हमारे पास प्रोटीन है तो यहां पर ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना दे आर जस्ट लाइक दिस ठीक है ये हमारे पास आ गया एंड दे आर जस्ट लाइक दिस आउटर सरफेस पे हमेशा ये आउटर सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे दे आर काब्स ठीक है इसी वजह से हम इन काब्स की वजह से इसको ग्लाइको बोलते हैं क्योंकि ये आउटर लेयर बना रहा होता है तो ए फिर हमारे पास क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुड ओके अच्छा इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि यही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं ना बेटे ये हमारे पास रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं ठीक है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं ठीक है और इन्हीं के ऊपर सेल मार्कर्स भी हो सकते हैं सो दे आर एक्चुअली सेल मार्कर तो रिसेप्टर एंटीजन प्रेजेंटेशन और सेल मार्कर के तौर पर ये एक्ट करता अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें वो ये नई 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 लाइबा मुजमिल ग्लाइको कैलिक्स सिर्फ बैक्टेरिया में नहीं होता ये आपको बाकी सेल्स में भी नजर आता है ओवरऑल जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ना आपके किसी भी सेल के बाहर उसको हम लोग कलेक्टिवली ग्लाइको कैलिक्स बोल रहे होते हैं याद रखना ये ये बात बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में नजर आता है ओके okay? याद रखना बेटे ये बात समझ में आई चलो ये बेटे हम लोग इसको डील करते हैं दोबारा से सुनो ग्लाइको जो होता है यह हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर जो के ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन्स नहीं नहीं बेटे रिया बेटे ये आपके पास कैप्सूल और स्लाइम अब ये देखो कैप्सूल और स्लाइम जो होते हैं ये सेल के बाहर वाले हिस्से होते हैं ना ठीक है तो उनको कैलिक्स कैलिक्स की टर्म बेसिकली ना प्लांटी के अंदर यूज की जाती है जिसका मतलब होता है बेटे कि ये आउटर मोस्ट लेयर है जैसे फर्स्ट कर लो हम यहां पर एक आरबीसी बनाते हैं सपोज ये हमारे पास है आरबीसी ठीक है इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर मुझे यहां पर ये नजर आते हैं ग्लाइको ठीक है या ग्लाइकोलिपिड्स तो ये जो सारा का सारा कलेक्टिवली ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा इसी को ही हम लोग बोलेंगे ग्लाइको ठीक है ये कलेक्टिवली सारा स्ट्रक्चर ग्लाइको आपको पता है इसकी वजह से ग्लाइको की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोलिपिड्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दो ठीक है यही वजह होती है कि आरबीसी जो होता है वो ब्लड वेसल के अंदर से स्क्वीज कर जाता है सपोज ये हमारे पास आरबीसी ये कैपिलरी है तो इस कैपिलरी के अंदर बेटे आरबीसी जो है वो स्क्वीज कर जाता है तो इसकी स्क्वीजिंग एबिलिटी जो है ये किसने बनाई दैट स्क्वीजिंग एबिलिटी वॉज बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकैलेक्स ठीक है बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ सेल हमारे पास कौन कॉज कर रहा होता है दैट दैट बाय बाय ओके वो जो आपके पास हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया को तो वो उसमें स्लाइम और कैप्सूल कलेक्टिवली हमारे पास नजर आता है ओके okay, जी ये बेटे हमारे पास इसमें इसका स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करते हैं कुछ सवाल इसी फ्लूड मोज एक मॉडल से पूछते हैं एक और सवाल बनाते हैं हमारे पास वो यहां से ये कंपोनेंट्स बनाता है पहला कॉम्पोनेंट ये ठीक है दूसरा कॉम्पोनेंट ये तीसरा कॉम्पोनेंट ये बना लेता है इसको लेबल करता है ए बी और सी वो आपसे पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हाइड्रोफोबिक है बताओ शाबाश। ए बी और सी में से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक बिल्कुल बेटे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये जो ए है ये चूंकि पोलर पार्ट होता है तो हाइड्रोफिलिक होगा सी भी हमारे पास पोलर पार्ट होता है हाइड्रो होगा बी जो होता है यह हमारे पास नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर होने की वजह से हम इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं ठीक है अच्छा अब एक और चीज आपसे पूछी जाती है ये देखो जैसे हम लोगों ने इसको साइटोप्लाज बनाया था ना साइटोप्लाज में फॉस्फोलिपिड अपने किस एंड से यह कौन सा एंड है दैट इज पोलर एंड पोलर एंड से फेस करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी यह पोलर एंड से फेस कर रहा होता है ठीक है। दरमियान में आपको जो है वो नॉन पोलर हिस्सा नजर आता है अच्छा जी एक सवाल है कि प्लाज्मा एक्ट रिसेप्टर्स एंड बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन मोस्टली वो आपके पास ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं जैसे आप आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी या एंटीजन ए बी की बात करते हो ना वो आपके पास बेटे फ्यूकोज एक शुगर होती है वो अटैच करवाती है ओके okay, तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन है इसको हम लोग यहां पर वाइंड अप करते हैं इसे आगे चलते हैं फिर लास्ट पे आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बनाते हैं जी हमारे पास सपोज दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है चलो ये हम लोगों ने बना लिया एक सेल इसके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको नजर आ रही है और इसके सेंटर में हम लोग बना लेते हैं दैट इज न्यूक्लियस ठीक है जी यह हमारे पास न्यूक्लियस आ गया ओके अब सवाल ये आता है कि हमारे पास यहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं सपोज मैं कहता हूं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद हैं और ये मालिक्यूल्स हैं ये इसके अंदर बड़ा इजिली चले जाते हैं क्योंकि बाहर इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ईजीली इसके अंदर मूव कर जाते हैं ठीक है तो मुझे ये बताओ कि अगर आपसे ये पूछा जाए ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव करते हैं फिर आपके पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं फर्ज करो इन मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज बोलते हैं ये भी इजीली अंदर चला जाता है लेकिन इसको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें ये बहुत छोटे छोटे ये बहुत ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं और ये बेटे आपके पास इसमें मूव कर जाते हैं इनर साइड की तरफ ठीक है या हम यहां पर एक और चीज बना लेते हैं दैट इज बेटे वाटर वाटर जो है इसके अंदर भी चला जाता है और वाटर इसके बाहर भी आ जाता है ठीक है अब मुझे ये बताओ कि आपके पास अगर ये पूछा जाए लेबल किया जाए कि ये जो ए है ये कौन सी ट्रांसपोर्टेशन को शो करता है बेटे ए जो है ये हमारे पास डिफ्यूजन को शो करता है और इसके अंदर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं इसमें अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल्स को मेंशन किया जाए तो ऑक्सीजन हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या लिपिड सोलिबल चीजें हो सकती हैं ठीक है तो ये आपके पास हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है इस वजह से हम इसको डिफ्यूजन रेफर कर रहे होते हैं फिर अगर हम इस बी की बात करें तो बी में बेटे हम लोगों ने कहा था दैट इज ग्लूकोज और ग्लूकोज हमेशा फेसिलीएटेड डिफ्यूजन शो करती है दैट विल ऑलवेज शो फिलिटेड डिफ्यूजन इसको किसी कैरियर की जरूरत होती है तो हर वो चीज जिसमें कैरियर प्रोटीन शामिल हो वो बेटे आपके पास फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है दैट विल बी रेफर टू एज फिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है अच्छा नीचे वाली बात करें तो यहां पर बेटे ये बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को शो करता दैट इज शोइंग बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अब सवाल ये आता है कि ये बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है बेटे बहुत आसान सा है, ये बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है यह हमारे पास फिल्ट्रेशन को बोलते हैं ठीक है फिल्ट्रेशन आप लोगों ने निफर के अंदर डिस्कस किया था तो जब भी बल्क पैसिव ट्रांसपोर्टेशन आए तो आंसर होना चाहिए फिल्ट्रेशन ठीक है फिर वाटर की बात करते हैं वाटर हमेशा ऑस्मोसिस शो करता है ठीक है अगर ये सेल के अंदर जा रहा है तो इसको एंडोसमोसिस अगर ये सेल से बाहर आता है तो इसको एक्सोसमोसिस और बेटे यही ऑसमोसिस की एक और टाइप भी आप लोगों ने डिस्कस की थी दैट इज रिफर टू एस कैमी ऑसमोसिस याद करो ये कैमी ऑसमोसिस आपने किसके अंदर पढ़ी थी दैट कैमी ऑसमोसिस टर्म वॉज यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट वॉज ऑल्सो यूज इन प्लास्टिड्स जिसके अंदर हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करते हैं ठीक है बेटे वो बताएगा जैसे ग्लूकोज है ना वो मेंशन कर देगा कि ग्लूकोज मूव कर रहा है अच्छा अब फर्ज करो हमारे पास ये सेल जो है ये एक यहां पे पार्टिकल पड़ा हुआ है दैट इज मूविंग टूवर्ड दिस और सेल क्या करता है इसको अपटेक करना चाहता है तो आपको पता है कि ये जैसे ही इस मेमब्रेन के साथ फ्यूज होगा सपोज ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा तो इसके अराउंड ये मेम्ब्रेन क्या होगी मेम्ब्रेन क्या होगी इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी ठीक है एंड देयर विल बी अ टाइम कि ये मेम्ब्रेन जो है वो आपके पास इस तरह से इन्वेजिनेट होती होती देयर विल बी अ स्ट्रक्चर विच विल बी रेफर टू एज दिस और इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल ठीक है ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है फूड वैक्यूल अब ये फूड वैक्यूल बना कैसे बना यहां पर बेटे आप इस सारे प्रोसेस को ये ये जिस तरह से ये सेल के अंदर गया इस सारे प्रोसेस को आप लोग रेफर करते हो एज एंडोसाइटोसिस ठीक है इस एंडोसाइटोसिस के अंदर अगर ये सॉलिड चीज को इनगल्फ करता अगर ये सॉलिड चीज को इनगल्फ करता देन इट विल बी रेफर टू एज फैगोसाइटोसिस और अगर ये लिक्विड चीज को इनगल्फ करता ठीक है पीना पीने से पीनो एक पिनो कपत्ती भी होती है लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे दैट इज सेल ड्रिंकिंग एज वेल और फेगोसाइटॉसिस जो है ये सेल की ईटिंग प्रोसेस भी कहलाती है ओके अच्छा एक सवाल मुझे बताओ कि ये जो एंडोसाइटोसिस होती है इसके दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज छोटा होता है या बड़ा हो जाता है बताओ क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज छोटा होता है एंडोसाइटोसिस के दौरान के बड़ा हो जाता है हाँ बिल्कुल स्मॉल हो जाता है ना देखो ये फूड वेक्यूल के अराउंड ये जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो निकली है इसी वजह से हम इसको बोलते हैं आपके पास का हो है। चलो अगर हम इसके ऑपोजिट मूवमेंट शो करते हैं कि ये आपके पास फूड वैक्यूल जो है दैट इज मूविंग टू वर्ड दिस एंड देयर इज अ टाइम कि ये आपके पास आके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है एंड दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस ठीक है और इसने चीजों को बाहर निकाल दिया इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे जिसमें ये देखो ये फूड वेक्यूल जो है या इसकी वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर आती है दैट विल बी रेफर्ड टू एज एक्सोसाइटोसिस ठीक है इसको बेटे हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं इस एक्सोसाइटोसिस की जगह पे एक टर्म यूज की जाती है इमियोसाइटोसिस वो भी सही है या बेटे हम इसको सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं वो भी सही है ठीक है एक्सोसाइटोसिस आपके पास इमियोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग की टर्म यूज की जाती है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे होते हैं ठीक है और ये बेटे आपके पास सेल क्लियरिंग प्रोसेस भी कहलाता है ओके okay, ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो कि सेल के साथ डिस्कस की जाती हैं जिसको हम लोग आ, आगे जाके इसकी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से डील करते हैं आपको पता है कि हमारे पास ना ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इसमें ये बेटे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है ठीक है जी तो यहां पर हम लिख लेते हैं देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक साइड पे लिख लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ठीक है मुझे बताओ एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस क्या होता है बताओ जरा एक्टिव हम उसको बोलते हैं जो के बेटे हमारे पास हमेशा लोअर पोटेंशियल से मूव करवाता है हायर की तरफ ठीक है अच्छा पैसिव क्या करता है इसके ऑपोजिट ये हायर से मूव करवाता है किसकी तरफ लोयर की तरफ ठीक है एक्टिव को हम लोग अप हिल मूवमेंट भी बोलते हैं मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है पैसिव को हम लोग बेटे डाउन हिल मूवमेंट भी बोलते हैं पहाड़ से नीचे उतरना आसान होता है ना खुद ब खुद आपके पाँव जो है वो मूव कर रहे होते हैं तो डाउन हिल मूवमेंट हम इसको बोलते हैं तो अप हिल एंड डाउन हिल मूवमेंट अच्छा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग अ लॉन्ग ग्रेडियंट भी बोलते हैं क्योंकि ये हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है जबकि एक्टिव को बेटे हम लोग अगेंस्ट ग्रेडियंट भी बोलते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट ठीक है क्लियर तो ये बेटे आप लोगों ने इसमें याद रखना फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है ना इसके अंदर एटीपी यूटिलाइजेशन होती है ठीक है यहां पर आपको एटीपी यूटिलाइजेशन नजर आएगी जबकि पैसिव के अंदर नो एटीपी यूटिलाइजेशन यहां पर आपको एटीपी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आएगी नको ए टीपी यूटिलाईजेशन ओवर हेयर जी अच्छा फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहां पर आपके पास बेटे कौन कौन सी मूवमेंट्स आ सकती हैं तो बहुत आसान है यू मस्ट हैव एन कि जो भी पंपिंग मूवमेंट होगी हमेशा पंपिंग मूवमेंट आपके पास एक्टिव होगी पंपिंग मूवमेंट विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जहां पर भी आपके पास बेटे एंडोसाइटोसिस हो एंडोसाइटोसिस, ये एक्टिव है जहां पर भी एक्सोसाइटोसिस हो ये भी बेटे हमारे पास क्या है, एक्टिव, ठीक है अच्छा पैसिव के अंदर मल्टीपल चीजें जैसे आपके पास डिफ्यूजन पढ़ा आपने ठीक है ये पैसिव है, डिफ्यूजन, ये भी बेटे हमारे पास क्या है? पैसिव है फिर आपके पास ऑस्मोसिस ये भी क्या बेटे पैसेब है फिर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन भी क्या है है। और फिल्ट्रेशन याद करो आपने फ्रॉन के अंदर पढ़ा था ठीक है बिल्कुल बेटे एंडोसाइटोसिस के अंदर एनर्जी यूज होती है मलिक इरफान बेटे इसी वजह से हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर रख रहे होते हैं ठीक है सो ये बेटे हम लोग कुछ इसमें कंपैरिजन करते हैं इसके एंडोसाइटोसिस का और एक्सोसाइटोसिस का ओके okay, चलो अब जरा लास्ट पे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं इस प्लाज्मा मेंब्रेन की कि प्लाज्मा मेंब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं बताओ जरा व्हाट कैन बी द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन बताओ याद रखना प्लाज्मा मेंब्रेन जो है ना ये कंट्रोल सेंटर होता है ठीक है लेकिन ये कौन सा कंट्रोल सेंटर होता है दैट इज होमियोस्टेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल होमियोस्टेटिक कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल अगर होमियोस्टेसिस नहीं आता तो आपके पास सिंपल कंट्रोल सेंटर तो हम न्यूक्लियस को भी बोल सकते हैं ठीक है पावर हाउस सेंटर ऑफ सेल वो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा तो होम्योस्टेटिक सेंटर आए तो वो आपके पास प्लाज्मा मेंब्रेन फिर यही आपके पास बेटे ये जो प्लाज्मा मेंब्रेन होती है ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस यानी किस चीज ने सेल के अंदर जाना है और किसको इसने सेल से बाहर निकालना है उसको भी कंट्रोल करेगी हम ये भी कह सकते हैं कि यही प्लाज्मा मेंब्रेन सिक्रीशन को भी कंट्रोल कर सकती है ठीक है किस वेजिकल को सेल से बाहर निकालना है। फिर यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल कर सकती है ठीक है यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएच मेंटेन करती है या आप लोग ये कह लो कि पोलराइजेशन को मेंटेन करना भी इसी का ही काम होता है और ये पोलराइजेशन हमने कहां पर पढ़ी है याद करो बेटे न्यूरॉन सेल उस न्यूरॉन सेल की मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सोडियम आइन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं आउटर साइड पे एज कंपेयर टू इनर ऑफ न्यूरॉन और पोटाशियम जो होते हैं वो इनर पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटर ऑफ सेल तो इसको ग्रेडियंट को मेंटेन रखना किसका काम है बेटे दैट इज द फंक्शन ऑफ मेमब्रेन ठीक है तो हम इसी से आगे भी मेंशन कर सकते हैं कि नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन जो है वो आपके पास यही करवा रहा होता है ठीक है ये बेटे आपके पास आ जाता है अच्छा सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है बहुत इजी से है देखो सिक्रीशन जो है ये तो आपके पास ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी होती है ग्लैंड जो है ना ये सिक्रीशन कर रहे होते हैं ठीक है एक्सक्रीशन जो होती है ये एक्सक्रीशन आपके पास हमेशा नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल की होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स की बेटे हमारे पास ये एक्सक्रीशन होती है ठीक है जी निंजा निंजा बस करते हैं लेकिन बेटे ये इसको तो डिस्कस कर लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक है ओके आगे चलें, जी जी उजमा बतूल बेटे बताएं क्या क्वेश्चन है आपका अच्छा जी चलो आज हम लोग ये प्लाज्मा में ब्रेन को ही डिस्कस करते हैं बाकी हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जल्दी से क्विकली हम इसको रिवाइज करते हैं ओवरव्यू लेते हैं फिर उसके बाद हम इसको आपके क्वेश्चन को लेंगे ठीक है ओके तो पहले तो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे दो तीन फिर प्लाज्मा में ब्रेन स्टार्ट की जिसमें इसको प्लाज्मा लीमा हम लोग बोल रहे होते हैं दैट कैन बी न्यूरोलीमा एंड दैट कैन बी सार्कोलीमा एज वेल फिर आपके पास बेटे कॉम्पोजिशन को डिस्कस किया जो कि मेनली तीन मेन चीजें होती हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स मेन नहीं है बहुत ज्यादा कम होते हैं लेकिन ये तीनों इसका हिस्सा जरूर हो सकते हैं ठीक है जी फिर प्रोटीन्स में इंटरेंजिक एक्सट्रेंजिक प्रोटीन को डिस्कस किया इंटरेंजिक को इंटेग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स वो होती हैं बेटे जो के हमारे पास कंप्लीटली uh, या पार्शली एम्बेडेड होती हैं ठीक है, एक्सट्रेंजिक वो होती हैं विच आर नॉट आउटर साइड पे अटैच हो रही होती हैं। हैं, आपके पास कर सकती ठीक है, है? जहां पर हम लोगों ने इंजाइम के अंदर एटीपी सिंथेस पढ़ा एटीपी बनाता है एडिनाइल साइक्लेज पढ़ा जो कि आपके पास कैम्प भी कहलाता है इसको ना सेकेंडरी मैसेंजर भी हम लोग बोलते हैं दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज सेकेंडरी मैसेंजर बेटे ठीक है इसको सेकेंडरी मैसेंजर में हम लोग लेबल करते हैं फिर हमारे पास इसमें लिपिड्स हम लोगों ने डिस्कस किए 20 से 40 परसेंट तक होते हैं और आपके पास हैव सीरोस दैट के ये जितने भी लिपिड्स होते हैं आपके पास एम्फोपैथिक होते हैं ठीक है जी तो बहुत आसान सा है और इतने ज्यादा एक्सेंट जो है वो इंग्लिश का अच्छा नहीं है हमारा फॉस्फोलिपिड जो होते हैं एम्फेप है ना और इसमें पोलर नॉन पोलर हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया पोलर जो होता है ये बेटे पोलर हमारे पास इसके फॉस्फोरिक एसिड की वजह से होता है और हमारे पास नॉन पोलर हिस्सा होता है अच्छा सैयद कुमैल पूछ रहे हैं सर रोज क्या एक टॉपिक पढ़ाना है नहीं नहीं बेटे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास लंबी थी इस वजह से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया बाकी जो ऑर्गेनालीज हम डिस्कस करेंगे उनमें आपके पास जो है ना वो अच्छा हो जाएगा ठीक है अच्छा फिर हम लोगों ने इससे क्वेश्चन डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स डील किए इसमें फ्लूड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया एंड देन स द्रांसपोर्टेशन एंड इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन फिर आपके पास फंक्शन आ जाते हैं एंड दैट इज इट ओके सो इज देअर एनी क्वेश्चन तो आप बेटे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं सर कैन प्लाज्मा विम ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर इन एंटीजन बेटे ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं ठीक है के हमारे पास मोस्टली प्रोटीन्स uh, तो एक्ट कर रही होती हैं लेकिन ग्लाइकोलिपिट गोप्रोटीन्स भी करते हैं अच्छा इसका पी डी एफ बेटे ये तो सर ही आपको बताएंगे मुझे इतना ज्यादा शोर नहीं है कि इसका पी डी एफ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इतने पी डी एफ क्या करने हैं आपने अच्छा जी सैयद कुमैल नहीं बेटे हमने कोशिश करनी है कि हम इसको जो है ना ऑलमोस्ट चार या पांच लेक्चर्स के अंदर ये यूनिट वन वाइंड अप करेंगे हाँ अगर कोई टॉपिक कोई यूनिट जो है वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम डेफिनेटली उसको टाइम ज़्यादा देंगे ना कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज और डिक्रीज फ्लुइडिटी कोलेस्टीरोल मेंटेन्स द फ्लुइडिटी ठीक है ये बात मैंने मेंशन किया है ये मेंटेन कर सकता है इज इट पॉसिबल कि मॉर्निंग में टाइम हो जाए कितनी मॉर्निंग में कितनी सुबह आप चाहते हैं बहुत सुबह पाम प्रोटीन कैरियर ही होते हैं जी बिल्कुल बेटे सही कह रहे हैं आप सर काइंडली गाइड करें बेटे किसके बारे में गाइड करना है बताओ मुझे एक्सोसाइटोसिस कॉल्ड सेल क्लीनिंग प्रोसेस और एंडो एंडो को तो बेटे हम सेल uh, और सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस लेबल कर रहे होते हैं ना माइलिनेटेड ग्लाइकोलिपिड्स इन नेचर हैं फिर ग्लाइकोप्रोटीन बेटे जो माइलिन शीत होती है उसमें फेंगोलिपिड होते हैं ठीक है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट अच्छा आपने फिलहाल ये याद रखना है कि कैरियर होंगे या गेट्स होंगे या चैनल्स होंगे वैसे तो ये वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं नॉन वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं बट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड रिमेंबर दिस के आपके पास पंप uh, के अलावा बाकी सारे जो है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं ठीक है जी ओके विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कल हम ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे आज पहला लेक्चर था इस वजह से जरा आपकी जो बॉडी है वो यूज टू नहीं ना हुई इस वैसे आपको लग रहा है बाकी हम ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे और इसको इनशाला हम यूनिट को वाइंड अप करके फिर इसमें से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ओके जी स्टूडेंट्स विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज